morning, children. I am Farheen. I'll be taking your class 3 English today. So let us start with imagination. Imagine about the time when you were born. You were small baby. Now you all are young boys and girls. Isn't it interesting? Yes, it is. Similarly, think about the plants and animals around us. How a small seed grows up into a big, huge tree, and how baby animals grows up to become huge animals. Isn't it amazing? Yes. Once again, children, let's repeat. Little by little, an acorn said, as it slowly sat in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew. Little by little, it sipped the dew. Now children, I'll read the second stanza. Downward it set out, a thread like crude. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. Let's repeat. Downward it sent out a thread like root. Up in the air sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little, the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak is the forest pride. I'll explain the first stanza. Let's see. Little by little, an acorn said. What did the acorn say? Little by little, thoda thoda. Now let me tell you, acorn. What is acorn? Do you know what is acorn? Acorn is a small seed, like this. Please see, this is acorn. This acorn will one day grow into what tree? Let us see. First, little by little, an acorn said. What did the acorn say? Little by little. Kya kar raha hai wo little by little? Thoda thoda wo kya kar raha hai? As it slowly sank in its mossy bed. धीरे धीरे वो जमीन में घुस रहा है. घुसते हुए वो क्या कर रहा है? आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. हर दिन वो इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, सुधार रहा है अपने आप को, सुधर रहा है वो अपने से. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. कहाँ छुपा हुआ है? डीप इन द अर्थ, जमीन के नीचे, बहुत नीचे. जब भी हम किसी सीड को गाड़ते हैं तो बच्चों वो कहाँ जाता है? जमीन के डायरेक्ट नीचे, नीचे दब जाता है. और फिर वो उठकर क्या बनता है? चलिए देखते हैं. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रो. धीरे धीरे हर दिन वो बढ़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है. लिटिल बाय लिटिल इट सिप द ड्यू. धीरे धीरे जब वो बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? इट सिप द ड्यू. ड्यू, आप जानते हैं ड्यू? ड्यू जब सुबह उठकर हम घास में देखते हैं, छोटे छोटे बूंद मिलते हैं ना पानी के, वही है ड्यू. उसे हम ड्यू कहते हैं. ड्यू, उस ड्यू को वो सिप कर रहा है. सिप करना मतलब पीना, धीरे धीरे पी रहा है वो. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द सेकंड स्टैंजा. डाउनवर्ड इट सेंट आउट ए थ्रेड लाइक रूट. जमीन के भीतर वो जा रहा है. क्या जा रहा है? पतला सा थ्रेड. थ्रेड जानते हो आप लोग? धागा. धागे सा रूट उसका वो फैला रहा है. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. ये तो हो गया जमीन के भीतर. अब जमीन के ऊपर वो क्या आ रहा है? Sprang a tiny shoot. एक tiny, छोटा सा shoot, वो ऊपर आ रहा है. Day by day and year by year. दिन ब दिन और साल ब साल क्या हो रहा है? Little by little the leaves appear. धीरे धीरे से उसके पत्तियां आ रहे हैं, leaves आ रहे हैं उसमें. And the slender branches spread far and wide. और उसके ब्रांचेस कैसे हैं? स्लेंडर. स्लेंडर मतलब थिन, पतला. जो उसकी टहनियां हैं वो बहुत पतले हैं,
slender branches spread far and wide. बहुत दूर तक फैले, far, दूर, wide, फैला हुआ, दूर तक फैले हुए हैं. Till the mighty oak is the forest pride. और वो कब तक बढ़ रहे हैं? जब तक वो एक छोटा सा acorn seed बढ़कर बड़ा सा क्या ट्री बन जाता है? ओक ट्री. ओक ट्री. ओक फॉरेस्ट का प्राइड है. क्यों है वो फॉरेस्ट का प्राइड? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज माइटी. माइटी मीन्स स्ट्रॉन्ग, ताकतवर है वो, और वो बहुत बड़ा है, इसलिए वो फॉरेस्ट का प्राइड कहलाता है. तो बच्चों, हमने देखा एक छोटा सा एकॉर्न सीड वो बढ़कर ओक ट्री में कन्वर्ट होता है, और वो ओक ट्री इतना बड़ा हो जाता है कि वो फॉरेस्ट का प्राइड कहलाता है. क्यों कहलाता है? क्योंकि वो ताकतवर होता है और बहुत बड़ा होता है. तो इसी तरह बच्चे, हम भी छोटे से बढ़कर बड़े होते हैं, और जानवर भी छोटे से बढ़कर बड़े हो जाते हैं एक दिन. उसी तरह ये सोचने वाली बात है कि इतनी छोटे सा एक सीड, एकॉर्न सीड, वो बढ़कर कैसे एक ओक ट्री बन गया. ओक ट्री आपने देखा है, ऐसा होता है ओक ट्री, और एकॉर्न कैसे होता है? ऐसे. तो बच्चों, आपने इस पोयम में बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखे होंगे जो आपको नहीं पता होगा. आइए एक बार दोबारा से देख लें. मॉसी, मॉसी यानी गीला, वेट. स्प्रैंग, स्प्रैंग मतलब टू कम आउट, दिखना, बाहर आना. अपियर, अपियर मीन्स टू वी विल बी एबल टू सी दैट अपियर, हमारे नजर के सामने दिखना. वाइड, चौड़ा. प्राइड, प्राइड, प्राइड यानी टू फील प्राउड ऑफ, किसी पे गर्व होना. जैसे फॉरेस्ट को ओक ट्री पर गर्व था. हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ. स्लोली, धीरे से. डाउनवर्ड, नीचे. स्लेंडर, थिन, पतला. माइटी, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर. ब्रांचेस, टहनिया. प्राइड, जैसे मैंने बोला टू फील प्राउड ऑफ. इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग यानी सुधरना, खुद पे सुधरना, इम्प्रूविंग. सिप्ट, धीरे धीरे पीना. शूट, शूट जानते हो आप, पार्ट ऑफ प्लांट है जो हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे. आफ्टर न्यू वर्ड्स लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्री दैट एकॉर्न ग्रोज इनटू. एकॉर्न बड़े होकर किस ट्री में होता है कन्वर्ट? ओक, करेक्ट, ओक. एकॉर्न ग्रोज इनटू अ ओक ट्री. ओके, नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डस अ सीड नीड टू ग्रो. एक बीज को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, किन चीजों की जरूरत होती है? अ सीड नीड सॉइल, वाटर एंड एयर. व्हाट आर द थ्री थिंग्स? सॉइल, वाटर एंड एयर. सो अ सीड नीड्स soil, water and air to grow. Okay? Third question. How many describing words can you find in this poem? इस poem में आपको कितने describing words मिले? Describing words क्या होते हैं? वो words जो किसी के बारे में हमें कुछ बता रहे हो. चलिए देखते हैं. So children, these are the describing words. Let us see. Little, यानी थोड़ा. Slowly, धीरे से, जो बता रहा है कि सीड धीरे से जा रहा है. थ्रेड लाइक, रूट कैसे है? थ्रेड लाइक, धागे की तरह. टाइनी, छोटा. स्लेंडर, थिन, पतला. माइटी, ताकतवर, जो ओक ट्री के बारे में बता रहा है कि वो माइटी है. तो ये सारे जो वर्ड्स आपने देखे, ये है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो हमें इस पोएम में किसी किसी भी चीज के बारे में कुछ बता रहा है, उन्हें हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. देखिए बच्चों, दो इमेजेस आपको दिख रहे हैं, दो पिक्चर्स देख रहे हैं आप लोग. दोनों में पेड़ है, लेकिन क्या दोनों सेम है? नहीं. पहले पिक्चर में पेड़ हंस रहा है और दूसरे में पेड़ रो रहा है. क्यों? आपको और क्या दिख रहा है इस इमेज में? कि पेड़ नीचे दिया हुआ है पिक्चर वन, आई गिव यू ऑल दिस, मतलब ये सारे जो चीज आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये पेड़ हमें दे रहा है. द ट्री गिव अस ऑल दिस. ओके, इन द नेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर टू, व्हाट डू यू गिव मी, मतलब हम क्या पेड़ को दे रहे हैं वापस में. पहले पिक्चर में दिख रहा है कि पेड़ हमें खाना, फल
ये आदि देते हैं, दूसरे में मेडिसिन दिख रहा है, मतलब पेड़ हमें मेडिसिन देते हैं, और नेस्ट दिख रहा है, पेड़ बर्ड्स के लिए नेस्ट या उनका शेल्टर है, वो वहां पे नेस्ट बनाकर रहते हैं। और क्या मिलता है पेड़ से इसके अलावा, आप बताइए। पेड़ से हमें वुड मिलता है, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी से हम घर बनाते हैं ना, तो पेड़ से हमें लकड़ी, वुड, मेडिसिन, फूड यानी खाना, और एनिमल्स के लिए शेल्टर, ये सारे चीज वी गेट फ्रॉम द ट्री। इन द सेकेंड पिक्चर व्हाट डू यू गिव मी, पेड़ पूछ रहा है आप हमें क्या दे रहे हैं, हम पेड़ को क्या दे रहे हैं, सिर्फ उसे नुकसान करे, वी आर जस्ट हार्मिंग द ट्रीज। इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी वी आर कटिंग ट्रीज फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग हाउसेस एक्सेट्रा, वी कट ट्रीज नो, सो दैट द ट्री इज क्राइंग, द ट्री पेड़ रो रहा है, रो हमें क्या, हम क्या क्या ले रहे हैं पेड़ से, रबर, टायर, पेड़ काटकर हम रबर बनाते हैं, पेड़ काटकर हम टायर बनाते हैं, लकड़ी से हम घर बनाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, ये सब हम पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वी कट ट्रीज एंड पोल्यूट आर एनवायरमेंट, इससे हम सिर्फ पेड़ को ही नहीं पूरे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना बच्चों, तो क्या ये सही है, नहीं। तो पेड़ हमें इतने सारे चीज दे रहे हैं, बदले में हम पेड़ को क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसे नुकसान पहुंचा रहे, दिस इज वेरी बैड, इजंट इट, यस इट इज। चिल्ड्रन वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस व्हाट वी टेक फ्रॉम द ट्री एंड व्हाट वी गिव टू द ट्री, नाउ सेम थिंग यू हैव टू राइट हियर, लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर वन, राइट थ्री सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्री गिव्स अस, यू हैव टू राइट थ्री सेंटेंसेस व्हाट द ट्री गिव्स अस, पेड़ हमें क्या देता है, इस पर आपको तीन वाक्य लिखने, and now look at the picture to write three sentences on how we harm the trees. दूसरे में आपको क्या करना है, how we harm the trees, पेड़ को हम कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर आपको तीन sentences लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं। so children I have written the sentences, you can see, first trees give us oxygen, what does a tree give, it gives us oxygen, second trees gives us food like fruits, vegetables, etc. Third, we make rubber, tire, paper from the tree. We make rubber, tire, paper, etc. from the tree. Now come to the second one. How do we harm the trees? First sentence, we cut the trees to make houses, boats, etc. Second, we burn the woods from the trees for cooking. Third, we cut the trees which harms the shelter of the birds. We cut trees which can harm the shelter nest of the birds. Okay? So children, now come to the match the following. Match the opposite. One has been done for you. We have to match the opposite word. Jiska meaning ulta ho. Downward yani niche ki taraf. Uska ulta kya hoga? Upar ki taraf. Upward. Slowly, dheere dheere. उसका उल्टा क्या होगा, जल्दी जल्दी यानी फास्ट, स्लोली उल्टा फास्ट, लिटिल थोड़ा, उसका उल्टा क्या होगा, लिटिल यानी छोटा, उसका उल्टा क्या होगा, बड़ा, दैट मीन्स बिग, स्लेंडर थिन कमजोर, उसका उल्टा होगा फैट मोटा, माइटी स्ट्रॉन्ग ताकतवर, उसका उल्टा क्या होगा, कमजोर वीक, डे दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, नाइट। सो चिल्ड्रन आई होप यू विल बी राइटिंग द क्वेश्चन आंसर एंड मैच द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। आफ्टर दैट कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज लेट्स लेबल, यू हैव टू लेबल दिस प्लांट, यू हैव टू लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फ्लावर, दिस वन यू सी हियर इज बड, बड यानी कली, जो बढ़कर बाद में फूल में कन्वर्ट हो जाएगा, फूल बन जाएगा, उसके बाद आप यहां देख सकते हैं व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड, रूट, दैट इज अंडर द ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड लेवल, जो उसके नीचे है वो क्या है, रूट, एंड जो उसके ऊपर है वो क्या है, शूट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड शूट,
and this part you see, this thick part you see is called stem, S-T-E-M, stem. Now, what is this called? This is leaf, patti. So you have to color this and then draw a label and color this part of the plant. So children, I hope you must have understood the poem and also the question answers, and you will be writing the question answers, match the following and the diagram in your notebook. So children, I wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you.